हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेश मटेरियल क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे वेश मटेरियल क्राफ्ट में क्या है, तो आज हमारे वेश मटेरियल क्राफ्ट में वेश तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ स्कूल प्रोजेक्ट है जो कि हम बनाने वाले हैं। मैक्स का स्कूल प्रोजेक्ट, HCF और LCM, तो ये दोनों टॉपिक पे हम बनाने वाले हैं। अगर आपको स्कूल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो कि आपको नहीं पता है वो बनेगा कैसे, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। मैं आपके लिए वो प्रोजेक्ट का वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ आप पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। और जो भी मेरा वीडियो को पूरा देखेगा उसके लिए पहले से ही धन्यवाद, थैंक यू। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, थैंक यू। सो हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है हम बनाने वाले हैं स्कूल प्रोजेक्ट। तो स्कूल प्रोजेक्ट में हम क्या बनाने वाले हैं, स्कूल प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं मैक्स का एक चार्ट जो कि होगा LCM और HCF का। तो कैसे बनाते हैं तो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें A3 साइज का शीट ले लेना है। आप उसे बड़ा भी ले सकते हो, आप उसे छोटा भी ले सकते हो, जैसा भी है। आप A4 में भी सेम चीज़ बना सकते हो। उसके बाद हमें साइड में बॉर्डर दे देना है। अगर आपके पास वो कलरफुल टेप है जो मल्टी कलर में मिलता है वो आप स्टिक कर सकते हो। अगर छोटे बच्चे बना रहे हैं, आपको बॉर्डर बनाना नहीं आ रहा है, तो वो स्टिक कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो फाइनली बॉर्डर वॉर्डर सारा बनाने के बाद हम आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बनाना कैसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो प्रोजेक्ट ज़रूर से लेकर आऊँगी ताकि आपको पता चले कि वो प्रोजेक्ट कैसा बनाया जाता है। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही वेस्ट मटेरियल के रिलेटेड, स्कूल प्रोजेक्ट, स्कूल होमवर्क, स्कूल के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ क्रिएटिविटी मिल जाएंगे। तो फाइनली हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के लिए एक और लाइन बना देना है जो कि उसमें हम LCM और HCF लिखेंगे। तो मैंने ये डबल लेटर में लिखा है, आप चाहो तो सिंगल में भी लिख सकते हो। डबल लेटर लिखने के बाद उसमें मैं फिल कर दे रही हूँ, कुछ कलर्स फिल कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा बड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। तो ये सारा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली हमने LCM लिख चुके हैं। तो LCM का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो लिख देना है, उसके बाद आपको उसके बारे में लिख देना है। वीडियो में अगर आपको धीरे धीरे लिख के दिखाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो लोग देखेंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने वीडियो में हाई स्पीड कर दिया है ताकि मतलब एकदम स्लो ना हो। अगर आपको लिखना है सेम टू सेम कॉपी करके लिखना है तो लास्ट में वीडियो जब पूरा लास्ट में ख़त्म होगा ना, तो उसमें मैंने फ़ोटो दे रखा है, तो वो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट मार के आप लिख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इस तरीके से हमारा LCM और HCF का प्रोजेक्ट बनके तैयार होता है, जो कि लास्ट में मैंने एग्जांपल भी दे दी हूँ। तो एग्जांपल भी सॉल्व करने के बाद HCF का मैंने सॉल्व कर दिया। LCM का आप चाहो तो बच्चों से करा सकते हो, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, या तो फिर आप उसमें खुद कर सकते हो। और लास्ट में बच्चों का नाम लिख देना है, जो भी बच्चे का आप बना रहे हो, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो पता चलेगा इस बच्चे का। तो ये फाइनली मैंने फ़ोटो दे दिया, आप स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हो। बाय गाइस, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।